हॉस्पिटल आप लोगों ने तैयार किया है, बहुत सालों से वो तैयार था। जर्जर भवन को फिर से आप लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, किस मकसद से किया और क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो इस विषय पर आप जो इतना जागरूक होकर हमसे कुछ विचार लेना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत राजानपुर सहरा अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र लक्ष्मीपुर ड्यूढ़ी पर वर्षों से स्थापित था, लेकिन बीच में किसी कारण से पूर्व का निर्मित जो भवन जर्जर हो गया था, पूरा जो है अस्तित्वहीन हो गया था। फिर सरकार की तरफ बात को जो है सो जानकारी दी गई तो एक उप स्वास्थ्य केंद्र नया भवन का निर्माण हुआ लगभग 6-7 साल पहले पूर्व। जब निर्मित हो गया भवन तब भवन का रख रखाव नहीं होने कारण उसका भी स्थिति जर्जर हो गया था। ये बात की जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हाईघाट को दी गई, वीडियो साहब को नॉलेज में दिया गया, जिला को भी अन्य सूत्र के माध्यम से जानकारी दी गई, ग्राम पंचायत के द्वारा भी दी गई। अब पुनः नया जो बिल्डिंग जर्जर हो चुका था उसको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से द्वारा पूर्ण जीर्णोद्धार किया गया है, जो बहुत ही अच्छा स्थिति में अब देखने को मिल रहा है। और उप स्वास्थ्य केंद्र इस ख्याल से उसको जो है सो जीर्णोद्धार किया गया है, जो इलाका के लोग वहाँ आवे, वहाँ सरकारी स्वास्थ्य संबंधी कर्मी बैठे। जो कोरोना का जो स्थिति है, हो सकता है कोरोना का स्थायी सेंटर भी बना दिया जाएगा। हम लोग मांग करेंगे जो अपना जो बिल्डिंग है तस्थाई कोरोना टीकाकरण का सेंटर भी बने, इलाका के लोगों को वहाँ जो सरकारी सुविधाएं हैं उस उप स्वास्थ्य केंद्र के संस्था के द्वारा लाभ मिले, और सरकार की हर योजना का लाभ ग्राम पंचायत की जनता को मिले हमारी है। साथ मैं वरीय पदाधिकारी से, जिला प्रशासन पदाधिकारी से मैं मांग करूँगा, जब उप स्वास्थ्य केंद्र इतना अच्छा तरीका से जीर्णोद्धार हो चुका है तो वहाँ स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी समय दे और जनता स्वास्थ्य के बारे में हमेशा जो है सो लाभ दे, इलाज करे, उचित जो दवा है समय पर मुहैया हो केंद्र के माध्यम से। साथ साथ मैं रामनवमी ग्राम पंचायत के अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का भी कार्य चल रहा है, तो जनता में बहुत ही खुशी का माहौल है। इतना भव्य बिल्डिंग का निर्माण कार्य प्रारंभ है, आने वाला बहुत कम समय में बिल्डिंग तैयार होकर जनता के हवाले होगी, जनता के प्रशासनिक कार्य वहाँ से निष्पादन होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि ग्राम पंचायत को मिला है, और जो छोटी मोटी समस्या जनताओं का है उसका निदान